ताजा तरीन खबरों की इस दुनिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रिजवान खान। और अब वक्त हो चला है आज की बड़ी खबरों का, आइए फटाफट नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। पहली जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो आ रही है हरियाणा के मेवात के गांव इंडरी से, जहां पर इंडरी गांव में विशेष समुदाय की महापंचायत हुई और उसमें कुछ चुनिंदा लोगों ने भड़काऊ भाषण दिए। लेकिन अब उन्हीं भड़काऊ भाषण को लेकर के मेवात के कुछ जिम्मेदार लोगों ने ऐतराज जताया है और उन्होंने कहा है कि मेवात में हिंदू मुस्लिम के भाईचारे को तोड़ने का काम किया जा रहा है और ये लोग भड़काऊ भाषण देकर के एक दूसरे समुदाय के बीच में एक दरार पैदा करना चाहते हैं, एक खाई पैदा करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसको लेकर के गाँव के ही जिम्मेदार लोगों ने, मेवात के कुछ समाज सेवियों ने अब FIR दर्ज करा दी है और उन्हें सबक सिखाने की बात कही है, क्योंकि जो लोग कानून को हाथ में लेंगे उनको कानून सजा भी दे सकती है। लगातार पुलिस प्रशासन कह रही है कि इस मामले में निष्पक्ष तरीके से जांच होगी और जो आरोपी होंगे उनको सजा दी जाएगी और जो निर्दोष लोग होंगे उनको बख्श दिया जाएगा। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लगातार मामले को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे लोगों पर FIR दर्ज करवा दी गई है। अब पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों की जांच करेगी और उन लोगों को भी कानून के तहत सजा देगी। और आइए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि हरियाणा के मेवात जिले से आ रही है। खेड़ा खलेरपुर गांव में जिस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया उसके बाद से ही लगातार अब हिंदू मुस्लिम के बीच में चर्चाएं हो रही हैं। अब विशेष समुदाय के लोगों ने एक महापंचायत की और महापंचायत में फैसला लिया गया है कि पुलिस प्रशासन से बातें की जाएगी और उनको अवगत कराया जाएगा कि जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनमें से कुछ निर्दोष हैं। इसके अलावा जिन के नाम पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जो अन्य में लिखवाए जा रहे हैं, वो भी निर्दोष है। हालांकि विशेष समुदाय का कहना ये है कि जो लोग दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए और जो निर्दोष लोग हैं वो बख्श दिए जाने चाहिए, यानी कि उनको सताया नहीं जाना चाहिए। इसको लेकर के विशेष समुदाय ने पुलिस प्रशासन को भी दोषी ठहराते हुए कहा है कि पुलिस प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रही है, यानी कि निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं कर रही है। इसको लेकर के महापंचायत की गई, महापंचायत में एक मांग पत्र तैयार किया गया है और उसको लेकर के नूहू जिले के SP से मुलाकात की है महापंचायत के लोगों ने। और अपना मांग पत्र रखते हुए उन्होंने कहा है कि जो निर्दोष लोग हैं उनको परेशान ना किया जाए, दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। ऐसे में पुलिस प्रशासन और SP और DSP ने आश्वासन देते हुए कहा है कि ठीक है, जो लोग निर्दोष हैं उन पर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन इस पूरे मामले में निष्पक्ष तरीके से जांच होगी। जो लोग दोषी हैं उनको बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा, उनको सजा होकर रहेगी। और आइए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि पलवल जिले के हथीन से आ रही है, जहां पर हथीन के थाना प्रभारी राजवीर पर लोगों ने वसूली करने का आरोप लगाया है। अब बुरागा गांव से एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि जो हथीन के SHO हैं वो बुरागा गांव गए हुए हैं और वहां पर गांव के कुछ लोग, बुरागा गांव के लोगों के बीच में झड़प होती है, वीडियो बनता है और कुछ 15,000 रुपए की भी बातें होती हैं। वहीं गांव वालों का कहना ये है कि बीच बीच में SHO साहब गांव आते हैं और जो मजदूर लोग होते हैं उनको परेशान किया जाता है, उनसे वसूली की जाती है। अब उसी का वीडियो बना करके वायरल किया जा रहा है, जिसको धड़ाधड़ लोग शेयर कर रहे हैं और वायरल कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे अधिकारियों को निलंबित कर देना चाहिए जो सरकार के ऊपर दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और आइए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि मेवात जिले के गांव उटावड़ से आ रही है, जहां पर मस्जिद की ओर जाने वाले रास्ते में गंदा पानी भरा हुआ है। दो रास्ते हैं और दोनों रास्ते पानी से लबालब हैं, जिसकी वजह से
आने जाने वाले लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और जो नमाज अदा करने के लिए लोग आते हैं उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं, उनका मस्जिद तक पहुंचना दुश्वार हो जाता है। ऐसे में प्रशासन से लोगों ने अपील की है और मांग की है कि जल्द से जल्द इन रास्तों को साफ करवाया जाए जिससे नमाज पढ़ने आने वाले लोग परेशान ना हो। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। मुलाकात कर जो सुविधाएं अभी फिलहाल हरियाणा के पास नहीं है क्योंकि लगातार ब्लैक फंगस की बीमारी बढ़ती जा रही है, उसको लेकर के ट्रीटमेंट के लिए जो सुविधाएं अभी हरियाणा सरकार के पास नहीं है उनको जल्द पूरा कराने के लिए प्रधानमंत्री से मुलाकात कर अवगत कराया गया है। साथ ही जिस तरीके से लगातार बेड, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की अगर कहीं कोई कमी है तो उसको लेकर भी प्रधानमंत्री जी से बातें की गई हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सारी बातों से अवगत कराया है और जल्द से जल्द इन सारी मांगों को पूरा करने की बातें कही हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को आश्वासन देते हुए कहा है कि जल्दी ही सभी सुविधाओं को मुहैया करवा दिया जाएगा। तो ताजा तरीन खबरों की दुनिया में आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सेफ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।